कभी कभी होता है लगते हैं। और क्लास में शैतानी होती है कभी कभी? नहीं होती, सिगरौली जिले में डीएवी स्कूल बैडरन की पांचवी की छात्रा आफरीन अली, जिनके पिता का नाम नवाब अली है, जब अपने घर से विद्यालय जा रही थी तो रास्ते में उसे कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला की गाड़ी दिखी। तब उसके मन में विचार आया कि आखिर कलेक्टर कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है, क्योंकि जब वह देखती है कि कलेक्टर उसके स्कूल में आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो सभी कलेक्टर साहब आए हैं कहकर उनका अभिवादन करते हैं। इन्हीं जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आफरीन ने अपने शिक्षक से आग्रह किया कि वह कलेक्टर साहब से मिलना चाहती है। बच्ची की जिज्ञासा को देखकर उसके शिक्षक उसे अपने साथ लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद उसके नाम की पर्ची कलेक्टर के पास भेजी गई। पर्ची मिलते ही कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने 9 साल की बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके आने का कारण जाना। आफरीन जब कलेक्टर से मिली तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कलेक्टर का अभिवादन किया। उसने पूछा कि सर, मैं कलेक्टर कैसे बन सकती हूँ? कलेक्टर शुक्ला ने बच्ची से पूछा कि आप कहाँ पढ़ती हो और तुम्हें किस विषय को पढ़ने में ज्यादा रुचि है। तब आफरीन ने बताया कि वह डीएवी विद्यालय बैडन में पढ़ती है, पांचवी की छात्रा है और नवोदय विद्यालय तथा सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रही है, भविष्य में आईएएस बनना चाहती है। कलेक्टर ने छोटी बच्ची आफरीन को अपने पास बिठाकर उसके सभी जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर बनने के लिए तुम्हें पूरे मनोयोग से पढ़ना होगा। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि पढ़ने के साथ ही खेलो कूदो, समय पर सोया करो और अच्छे दोस्त भी बनाए करो, क्योंकि जब तुम स्वस्थ रहोगी, खुश रहोगी, तभी अच्छे से पढ़ाई कर सकोगी। बच्ची के सभी प्रश्नों का स्नेहपूर्वक उत्तर देते हुए कलेक्टर ने उसके प्रश्नों का समाधान किया और उसे एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। अंत में उसे चॉकलेट भेंट कर खुशी खुशी घर के लिए विदा किया। ये वीडियो सिंगरौली का वायरल हो रहा है। बहरहाल आप इस वायरल वीडियो पे क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सपोर्ट करते हैं? ऐसा नहीं कि आप गाल चीज़ के बाल चीज़ के होगा? नहीं, 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 नहीं